Good morning students, my name is Nisha Sharma, I'm your maths teacher. Today we are going to study chapter number 5 with page number 70. Few topics we have already studied in our previous videos. ये सारे topics हम 10 gram वगैरह ये सारी चीज़ें curved shape, corners, edges ये सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं. Okay, so let's start. Floor patterns. Have you ever seen a floor which has designs? इस तरीके की कुछ designs आपने floors देखे हैं जिनमें इस तरीके की कुछ designs हों? Do you know how these designs are made? क्या आप जानते हो कि इस तरीके की design किस तरीके से बनाई जाती हैं? These designs are made by covering the floor completely with small tiles. ये जो designs होती हैं वो small tiles के through बनाई जाती हैं. Small tiles जैसे कि यहाँ से ऐसे एक स्क्वायर शेप में ये टाइल होगी, उसको आपस में जोड़ते जाएंगे तो इस तरीके की शेप बन जाएगी. देन फिट इन टू ईच अदर, एक दूसरे के साथ उनको फिट किया जाएगा विदाउट एनी गैप, बिना किसी गैप के, तो ये डिजाइन आपका बन जाएगा. फॉर एग्जाम्पल लुक एट द शेप ऑफ दिस टाइल, आप इस टाइल की शेप देखिए, हाउ इट फिट्स, ये कैसे फिट होगी. ठीक है, नाउ लुक एट ये वाली टाइल, तो आपकी फिट नहीं हो सकती, कैसे फिट करोगे इसको? अगर ये इतनी छोटी सी टाइल है तो आप इसे कैसे फिट करोगे इस वाली टाइल को इसके यहाँ पे लगा के? बट ऐसी टाइल्स नहीं होती, बेसिकली आपकी या तो स्क्वायर शेप में होती हैं या इस शेप में भी हो सकती हैं. ठीक है, सो नाउ लुक एट दिस टाइल विथ 6 साइड्स. अब ये वाली टाइल देखिए, इसमें कितनी साइड्स हैं? 6. ठीक है, हेक्सागन हो गया आपका, हेक्सागन की शेप में है ये. See how tiles of these shapes can cover the floor completely without any gap. और ये किस तरीके से लगाया जाएगा? इस तरीके से. देखो अब यहाँ पे गैप नहीं है. ठीक है, तो हम जब फ्लोरिंग करते हैं टाइल्स से, इस तरीके से होता है वो. Next, among the following, can you match the tiles with the designs that they will make on the floor? Draw lines to match. अब इनको मैच करना है कि कौन सी वाली किससे फ्लोरिंग होगी किस. तो ये वाली तो देखो आपको कुछ इस तरीके की लग रही है. ठीक है, तो ये वाली टाइल ऐसा कोई फ्लोर बनाएगी. ये वाली जो है वो इस तरीके से लग रही है, यानी कि दिस वन. ठीक है, पेंटागन वाली ये वाला फ्लोर बनाएगी, तो पेंटागन को हम ऐसे मैच कर देंगे और ये वाली इसे बनाएंगे. नेक्स्ट, यू कैन ऑल्सो मेक योर ओन टाइल्स. आप अपनी खुद की टाइल बनाइए एंड यूज देम टू मेक योर ओन टाइलिंग पैटर्न्स. और आप खुद अपना खुद का पैटर्न बनाइए. यू विल फाइंड सम सच टाइल्स एट द एंड ऑफ द बुक दैट यू कैन कट आउट ट्रेस एंड कलर. अब आपको बुक के लास्ट में ऐसे पेजेस, ऐसी टाइल्स दे रखी हैं, आप उन्हें कट कर सकते हो और उन्हें बना सकते हो. कम्प्लीट द फॉलोइंग टाइलिंग पैटर्न. अब इस पैटर्न को यहाँ पे कम्प्लीट करना है तो किस तरीके से? इसी तरीके से लेके जाएंगे आप, इसे ऐसे कंप्लीट करोगे इसी तरीके से. ठीक है, और उसमें कलर करोगे, खुद से करना. ठीक है, नेक्स्ट पेज नंबर 72. कंप्लीट दिस पैटर्न, कंपेयर इट विद द पैटर्न ऑन द पेज 70 विच ऑल्सो यूजेस 6 साइडेड शेप्स. व्हाट इज द डिफरेंट बिटवीन द टू? अभी आपका क्वेश्चन आ गया. ठीक है, अब हमें ये कंप्लीट करना है पैटर्न. इसमें हेक्सागन्स बनाए हुए हैं. ठीक है, अब इसमें पूरा बना रखा है तो आपको इसमें निकालना है हेक्सागन. ठीक है, आप हेक्सागन की शेप निकालोगे यहाँ पे. उसके बाद यहाँ पे क्या दे रखा है, टू हेक्सागन्स के बीच में आपको टू ट्राइंगल्स शो कर रखे हैं. देन आंसर विल बी हेयर, हेक्सागन्स आर इंटरकनेक्टेड विथ ईच अदर. यहाँ पे जो हेक्सागन्स हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, सिक्स साइड्स डायरेक्टली, और उनकी जो 6 साइडेड हैं, 1, 2, 3 हेक्सागन्स की, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये जो 6 साइड्स हैं वो भी एक दूसरे से क्या है, कनेक्टेड है. वेयर एज हेयर टू ट्राइंगल्स अपेयर बिटवीन हेक्सागन्स. और इन हेक्सागन्स के बीच में कितने ट्राइंगल्स आ रहे हैं आपके? टू ट्राइंगल्स आर अपेयर्स बिटवीन हेक्सागन्स. तो इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट, खुशबू एंड हाफिज लिव इन आगरा, खुशबू एंड हारिस. अब ये दो, ये खुशबू है, ये हारिस है, ये कहाँ रहते हैं? आगरा में. वन डे दे वेंट टू सी द ताजमहल. एक दिन वो कहाँ गए? ताजमहल घूमने गए.
द फ्लोर हैड द पैटर्न शोन बिलो. अब उसके फ्लोर पे कैसी कैसा पैटर्न था, इस तरीके का कुछ. आई कैन सी टू डिफरेंट टाइल्स इन दिस पैटर्न. आई थिंक ओनली वन टाइप ऑफ टाइल हैज बीन यूज. अब वो कह रही है कि यहाँ पे दो तरीके की टाइल यूज हुई है. अब वो कह रहा है कि नहीं, एक ही तरीके की यूज हुई है. अब ये सही है या ये सही है, ये गलत है, ये सही है. यहाँ पे एक ही तरीके की टाइल है लेकिन उसे मोड़ कर रखा हुआ है, ठीक है, इस तरीके से यूज किया हुआ है. वट डू यू थिंक, अब आपको क्या लगता है, डिस्कस विद योर फ्रेंड्स. आई थिंक ओनली वन टाइप ऑफ टाइल हैज बीन यूज. मैंने बताया एक ही टाइप की टाइल यूज हुई है बट देयर प्लेसमेंट डिफर और उसका जो प्लेसमेंट है वो डिफरेंट है, ठीक है. नेक्स्ट टिलिंग टाइम. अब ये टाइलिंग का कुछ टाइम, ये टाइलिंग का कुछ काम कर रहे हैं ये लोग, ठीक है. ये आपका प्रैक्टिस टाइम है. द पैटर्न्स बिलो आर मेड फ्रॉम दिस टाइल. अब यहाँ पे जो पैटर्न्स बनाए हुए वो किस तरीके की टाइल से बनाए हुए हैं, डायमंड शेप की टाइल से, ठीक है. इन दिस पैटर्न थ्री कलर्स हैव बीन यूज टू मेक इट लुक लाइक स्टेप्स. अब यहाँ पे थ्री कलर्स यूज हुए हैं, ठीक है. ये थोड़ा डार्क है, ये थोड़ा कम डार्क है और ये थोड़ा ग्रीनिश है, ठीक है. ये ऑरेंज टाइप का है कुछ, इस तरीके से इसे यूज किया हुआ है. आप इसे कलर कर सकते हो, डिफरेंट कलर कॉम्बिनेशन टू मेक योर ओन पैटर्न. अपना खुद का पैटर्न बनाने के लिए इसे कलर करेंगे आप. नाउ ट्रेजर हंट. अब आप ट्रेजर हंट खेला होगा आप लोगों ने, तो यहाँ पे कुछ ये एक्टिविटी दे रखी है आपको, इसके थ्रू आपको खेलना है, ठीक है. सो फर्स्ट, फ्रेंकी एंड जूहीज मॉमी हैज हिडन अ सरप्राइज गिफ्ट फॉर देम बट शी वॉन्ट्स फाइंड आउट थ्रू अ ट्रेजर हंट. शी हैज रिटर्न सम इंस्ट्रक्शन हेयर. कैन यू हेल्प जूही एंड फ्रेंक इन फाइंडिंग देयर गिफ्ट. अब उसकी मम्मा ने एक गिफ्ट छुपाया हुआ है जूही और फ्रेंक और जूही के लिए, ठीक है. अब वो उनको ढूंढना है ट्रेजर हंट के थ्रू. तो फर्स्ट स्टार्ट फ्रॉम द टॉलेस्ट ट्री. अब यहाँ से हमें कहाँ से स्टार्ट करना है, टॉलेस्ट ट्री, जो सबसे लंबा ट्री है, यानी कि ये, यहाँ से शुरू करेंगे, ठीक है. सेकंड क्या है, गो फॉरवर्ड ऑन द पाथवे. अब हमें यहाँ से आगे चलना है, ठीक है. फ्रॉम द सिक्स्थ टाइल टर्न लेफ्ट, यानी कि सिक्स्थ टाइल 1 2 3 4 5 6 सिक्स से हमें लेफ्ट लेना है, तो लेफ्ट किधर की साइड जाएगा, इधर, ठीक है. इधर चलेंगे हम लोग. फिर वो कह रहा है After moving few steps again you will find a plant on your right hand side. अब वो बोल रहा है कि अगर आप यहाँ से लेफ्ट लेने के बाद कुछ स्टेप्स आगे जाओगे तो आपको राइट हैंड साइड में आपको एक प्लांट मिलेगा, ठीक है. कलर द ड्रेस ऑफ द चाइल्ड प्लेइंग क्लोजेस्ट टू दिस प्लांट. अब इस प्लांट के जो सबसे ज्यादा पास में खेल रहा है बच्चा, उसके ड्रेस को आपको कलर करना है, तो इसको कलर कर दीजिएगा. नेक्स्ट स्टार्ट मूविंग अगेन फ्रॉम द प्लांट. अब वापस हम इस प्लांट से चलना स्टार्ट करेंगे आगे की तरफ. उसके बाद ऑन द फोर्थ टाइल टर्न लेफ्ट अगेन. उसके बाद देखो 1 2 3 4 अब फोर्थ टाइल से वापस हमें लेफ्ट लेने को बोल रहा है, वो इधर की साइड, ठीक है. इधर की साइड चलना है अब वापस. वन ऑन द वे यू विल फाइंड द कॉर्नर ऑफ द फोर्थ टाइल इज ब्रोकन. अब हम देख रहे हैं कि वो कह रहा है कि 1 2 3 4 फोर्थ टाइल जो है उसका कॉर्नर जो है वो टूटा हुआ है. हाँ, हमने देखा कि हम जब आगे बढ़े तो फोर्थ टाइल का कॉर्नर टूटा हुआ है. यू विल फाइंड अ बैट एंड बॉल लाइंग ऑन द ग्राउंड. अब आपको वहां पे एक बैट बॉल पड़े हुए मिलेंगे, ठीक है. डोंट पिक, उसे उठाना नहीं है, जस्ट सर्किल देम. इस बैट बॉल को हमें उठाना नहीं है, उसे सर्किल करना है. सर्किल कर दिया हमने, ठीक है. आगे चलते हैं. मूव अहेड एंड टर्न राइट. उसके बाद हम यहां से आगे चलो और टर्न राइट, उसके बाद राइट ले लो. राइट कहां जाएगा, इधर की तरफ, ठीक है. यू विल फाइंड अ मैंगो ट्री. अब आप जब यहां जा रहे हो तो आपको क्या मिल रहा है, मैंगो ट्री, ठीक है. राइट में जाने के बाद आपको एक मैंगो ट्री नजर आ रहा है. उसके बाद अ फ्यू मैंगोज कैन बी सीन ऑन द ट्री. अब बहुत मतलब यहाँ पे कुछ मैंगो लटकाए हुए हैं. कलर 11 मैंगोज ऑन द ट्री. अब ये कितने मैंगोज हैं उसने बताया ऑलरेडी काउंट करके 11. अब इनको क्या करना है आपको, कलर येलो कलर. मैंगो का कलर क्या होता है, येलो, तो आप येलो कलर करोगे.
ऑल्सो ड्रॉ सम ग्रास नियर द मैंगो ट्री एंड स्टार्ट मूविंग अगेन ऑन द पाथवे। और यहाँ पे कुछ ग्रास, इस तरीके की घास आपको ड्रॉ करनी है, ठीक है, और उसके बाद हम आगे चलेंगे। When you go straight, you will find a house. अब वो बोल रहा है कि सीधे सीधे आप जब जाओगे तो वहां पे आपको एक घर नजर आएगा, ठीक है, घर नजर आ गया। उसके बाद वो बोल रहा है Behind the house, there is a bag. Open it, you will find a something sweet in it. Can you tell what their mother has kept in the bag? अब वो बोल रहा है कि आप ऐसे जाओगे तो घर के पीछे एक पेड़ है, पेड़ के पास में क्या रखा है, गिफ्ट। अब ये उसका गिफ्ट था जो उसने छुपाया था, जिससे वो चाहती थी कि फ्रैंकी और जूही जो थे वो ट्रेजर हंट के थ्रू उस बैग को पाएं, उन बैग को ढूंढें, ठीक है। अब वो बोल रहा है कि आप क्या सोच सकते हो कि अब इसमें क्या होगा, तो ऑलरेडी उसने हमें थोड़ा सा हिंट दिया, समथिंग स्वीट इन इट, यानी उसमें कुछ मीठा है, तो वो चॉकलेट्स हो सकती हैं, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, मिठाई हो सकती है। सो हेयर दिस चैप्टर इज फिनिश्ड। So, in our next video, we will study chapter number 6. Tab tak ke liye, have a nice day. Stay safe. Thank you.